हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोग के डिमांड पे बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना जो लैपटॉप था, जो अमेज़न की तरफ से स्कैम किया गया था मेरे साथ, वो लैपटॉप मैं किस तरीके से वापस किया। और फिर मैं जो वापस रिटर्न करने के बाद मैंने जो परचेज किया लैपटॉप, वो मेरे सामने है, जो कि आप ये देख सकते हैं, असूस का FX505DT है इसका मॉडल। मैं इसके बारे में आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में भी। और पहले मैं उस पर बात कर लूँ कि मैंने वो रिटर्न किस तरीके से किया। दोस्तों, मैं यहाँ पे अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये बिल है जो कि मैं पहले से खोल के रखा हुआ यहाँ पे, जो कि 16/7/2019 को वो जो परचेज किया था मैंने लैपटॉप, और इसी लैपटॉप का पूरा इशू था 54,990 का। और मैं अब दिखाता हूँ कि मैंने इसके बाद फिर सबसे पहले कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कॉल किया था। कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कॉल करने के बाद जो भी इंसिडेंट हुआ, वो उस सारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को मैंने मेल के साथ एक ड्रॉप किया अमेज़न को, और डायरेक्टली जेफ बेज़ोस को। मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं अमेज़न को जो मैंने मेल किया था, वो ये थोड़ी जल्दबाजी में लिखी हुई मेल है, पता ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है ग्रामेटिकली, बट कोई इशू नहीं है। पॉइंट ये है, जहाँ पे मैंने ये मेंशन भी किया है कि ऑन अ सीरियस क्वेश्चन आई हैव वर्किंग ऑन अमेज़न कस्टमर सर्विस इज हाउ कम एन इन्वेस्टिगेशन सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वी कंडक्टेड विदाउट एनी रोल फ्रॉम बायर। एक्चुअली क्या है दोस्तों, कि जब मैंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे पहली बार जब एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कंप्लेन किया था, तो उन्होंने बोला था कि आपको एक इन्वेस्टिगेशन टीम असाइन कर दी गई है आपके इशू को लेके, और वो जल्द आपका रिजल्ट आउट कर देंगे। तो ऐसा है कि रिजल्ट आउट होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपका लैपटॉप सही है और ये लौटाया नहीं जा सकता है। बट पूरे इंसिडेंट में, पूरे इन्वेस्टिगेशन में मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे संभव है कि आप बायर से ही नहीं पूछ रहे हो कि आप इन्वेस्टिगेशन में आपको मिला क्या और आपके साथ हुआ क्या। और उन्होंने मुझे बताया ऑन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कि मैंने CCTV फुटेज चेक करवाया है, और जहाँ से भी ये लॉट आया प्रियर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से, वहाँ से उन्होंने CCTV फुटेज और बिलिंग सारा कुछ देख के उन्होंने मुझे बोला कि आपका प्रोडक्ट नहीं सही है और आपका प्रोडक्ट नहीं लौट सकता है, और सारा कुछ मैंने मेंशन किया है। और ये मेल जब मैंने अमेज़न को लिखा, उसके साथ साथ मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स सारा कुछ यहाँ दिया, नीचे में अटैच किया हूँ, और साथ साथ ईमेल्स भी, यहाँ पे मैं एडिशनल ईमेल्स भी यहाँ पे अटैच किया हूँ। और उसके बाद मुझे इन रिप्लाई जो मुझे मिला, वो यही मिला फर्स्ट टाइम। और ये मेल आपको 29 जुलाई 2019 का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट और टाइम। उसके बाद ये जब कंप्लेन हायर लेवल पे पहुंच गया, तो एग्जीक्यूटिव कस्टमर रिलेशन टीम की तरफ से मुझे मेल आया, और ये थे स्वरूप जी जो भी हों, और जब इन्होंने लिखा भी यहाँ पे, जेफ बेज़ोस रिसीव्ड योर मेल एंड आई एम रिस्पॉन्डिंग ऑन हिज बिहाफ, उनके बिहाफ में उनकी जो कस्टमर रिलेशन PR टीम होगी, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। और सारा डिटेल्स को समझने के बाद उन्होंने ये मेल किया, और इनके साथ मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो चुकी है। इन्होंने मुझे बोला कि आपका जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, वो जल्द से जल्द सॉल्व होगा। और ये प्रीवियस मेल था जिसके रिप्लाई में ये अमेज़न कस्टमर एग्जीक्यूटिव रिलेशन टीम की तरफ से मुझे रिप्लाई आया था। और इसके बाद जब ये प्रॉब्लम वहाँ तक पहुँच गया था कस्टमर रिलेशन टीम के पास, तो वहाँ से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने तरफ से एक टेक्निकल टीम भेजिए या इन्वेस्टिगेशन टीम भेजिए, जो आप इन्वेस्टिगेशन करिएगा वो मेरे एंड पे भी होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को बिना बताए, किसी से बिना पूछे आप उसी का इन्वेस्टिगेशन कैसे बंद कर सकते हो, भाई ये गलत है।
इन्होंने इस बात को समझा और इन्होंने फिर असिस्ट किया एक टेक्निकल टीम हमारे लिए, जो कि मेरे घर पे आके और प्रोडक्ट को अपने अपने हाथों से पूरे जांचने परखने के बाद उन्होंने एक रिप्लाई करा था मुझे, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पे, ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर एक्चुअली में टेक्निकल अपॉइंटमेंट का ऑर्डर है, जहाँ पे आपको टेक्निकल टीम अपॉइंट करना होता है, जो कि जीरो कॉस्ट पे है। लैपटॉप ट्रबल शूटिंग सर्विसेज के नाम पे इन्होंने ये ऑर्डर करना होता है अमेजोन पे जाके। ये आपको तभी दिखेगा जब आपके कस्टमर एग्जीक्यूटिव या जो भी आपको आपकी केस को हैंडल कर रहे हैं अमेजोन की तरफ से, वो जब तक इस चीज़ को आपके लिए ओपन नहीं करेंगे, इस विंडो को आपके लिए ओपन नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं कर सकते हो। और जब हाईएस्ट कस्टमर रिलेशन टीम से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने वो हाईएस्ट एस्केलेशन की जगह है जहाँ पे अमेजोन से आप कोई भी लास्ट पोजीशन पे जो जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम एस्केलेट कर सकते हो वो वही है। वहाँ पे बात होने के बाद और ये फिर मुझे मेरे लिए विंडो को खोला गया था और यहाँ पे मैंने ऑर्डर कंफर्म किया था टेक्निकल टीम की। फिर इसने मेरे घर पे आके टेक्निकल टीम ने अमेजोन की टेक्निकल टीम ने मेरे घर पे आके सारा डिटेल्स चेक किया फिजिकली और कॉन्फ़िगरेशन तक को चेक किया सारा कुछ। और जब ये टेक्निकल टीम अपने तरफ से रिपोर्ट दी, तो उसके बाद का ये मेल है जहाँ पे उन्होंने लिखा है जो भी है, जो आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो इसे। ये टेक्निकल टीम जो असिस्ट करके गई थी, उन्होंने उसके रिपोर्ट के बाद अगेन मुझे कस्टमर रिलेशन टीम से कॉल आया था और उन्होंने फिर रिफंड इशू किया था। बीच में मेरे लगातार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी मेरे साथ रेगुलर हुआ, जो कि मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। आप पहले सुनिए कि उस समय हुआ क्या था। कॉल इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम please go ahead. And the calls at our end are also recorded. Yeah. Yes. So in regards to the same that you have wrote an email with the details that you have received a different specification altogether. I need I need some help from you. If you can help us with the screenshot of the properties of the item, like once you log into the computer and set it up, and from the My Computer page, where under the properties, you'll find the complete specifications of the laptop that you have received. If you can share us that screenshot, I'm involving our internal team to get this checked and get back to us with. I have already sent to you Amazon and on your email, on your whatever it is. If you may confirm on which date was this sent, sir. Pardon, please. On which date were these sent? If you can help us with the date. Okay, let me check. Let me check first. Sure. I did find an email that you sent to us on 29th, which is yesterday. Yeah, it's of 20th July. I found one which was sent yesterday. With the details. Yesterday was that, and your executive has told me that your product is right, and we will not going to return or refund you. That's why I'm getting it checked, sir. And on 20th July. I'm getting it rechecked. Okay. On 20th July, I mailed you all the proofs and screenshot in JPG format. Kindly check this mail, and you got the image of the two stickers in this. On which I did see that image. Yeah, there is a two different model on the box of the laptop. Right. No, I'm getting it rechecked. I would request you to kindly allow me some time. I'll personally follow up on it.
and get back to you with an update on it, sir. Okay. Okay. If you have any dilemma on that, then you you can come to at my home and check the laptop at your own. We'll do the needful, sir. Okay. Thank you for confirming on this part, sir. And I will be marking you an email right now. And if you need any further help, I would request you to kindly reply on that instead of reaching out after to the... You will resolve my problem. At this point of time, the most time that I would request is between 2 to 3 business days, because it involves on another theme being looked into. So I would request you to allow us 2 to 3 business days. Rightly pointed out by you, because in the CCTV it will not show the details and the properties of the item that and you have received. I show it you will clearly one... show that it's a laptop. Yeah, which you already received it. Yeah. So I'll get it checked, I'll get it reviewed, and I'll get back to you with an update. Allow me some time, 2 to 3 days is what the max that I can request. Okay. And the moment I get an update, I should be able to get back to you. Okay. All right. And as said, I'm writing you an email confirming the details, like the discussion that we had. Mm-hmm. And if you need any further help, I would request you to directly reply on that instead of reaching out to the customer service, because you have already reached the highest point of escalation. Okay. 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 It was nice talking to you, sir. You have a good day ahead. Okay, thank you. Bye-bye, take care. सर मैं भी आपका कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है मैं भी आपको बता देता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं कोई दिक्कत नहीं ओके थैंक यू नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर ओके ठीक है आगे बढ़िए जैसे कि आपने बताया जैसे कि आपने बताया सर कि आपको इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप मिला है राइट सर इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन मतलब मॉडल नंबर सेम है इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन है या नहीं, फिर मॉडल नंबर इनकरेक्ट मॉडल नंबर भी चेंज है और मॉडल नंबर के साथ स्पेसिफिकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा मॉडल नंबर चेंज है अच्छा, मैंने ये प्रूफ आपको दिया है सर इसके रिगार्डिंग सर हमें एक मतलब चेक करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग सर तो सर आपका जो ईमेल आईडी है क्या वो ईमेल आईडी अभी एक्सेसिबल है आपके पास अभी हाँ एक्सेसिबल तो है बताइए जी हाँ मैं आपको एक अभी टेक्नीशियन का लिंक भेजूंगा सर आपको एक टेक्नीशियन अरेंज करना पड़ेगा ताकि हम आपका जो है यहाँ से रिटर्न प्रोसेस करवा पाए सर क्या तो क्या ये सही रहेगा आपके लिए सर आपके लिए सर हमें एक टेक्नीशियन अरेंज करना पड़ेगा ताकि हम चेक कर पाए और आपका जो है रिटर्न प्रोसेस यहाँ से करवा पाए तो सही रहेगा आपके लिए सर हाँ जी हाँ अगर मैं अभी आपको लिंक भेजूँ हाँ लिंक भेज दीजिए टेक्नीशियन आपके तरफ से होगा ना सर हाँ जी हमारी ओर से होगा सर हाँ जी ठीक है हम भेज सकते हैं भेजिए थोड़ा सा समय दीजिए आप आपका ईमेल आईडी एक बार ओपन कर लीजिए सर हाँ ईमेल आईडी मैंने ओपन कर लिया ठीक है एक मिनट का समय दीजिए मैं भेज दे रहा हूँ आपको सर आपको एक टेक्नीशियन विजिट अरेंज करना पड़ेगा मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना पड़ेगा ठीक है सर okay. आप निश्चिंत रह सकते हैं आप एक बार आपका ईमेल आईडी ओपन कर लीजिए अभी हाँ जी मेरे को मेल तो आया है हाँ जी वो वाला जो पहला लिंक है सर देखिए वहाँ पे मेंशन है सर प्लीज विजिट द फॉलोइंग यूआरएल टू स्केड्यूल एंड टेक्नीशियन तो वो वाला एक बार ओपन कर लीजिए दूसरे टैब में ओके ये अमेजोन के ऐप पे चला गया ये तो हाँ जी वहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है सर हाँ जी जी ऐड टू कार्ट पे कार्ड पे क्लिक कर लीजिए हाँ जी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद अभी कार्ट पे जाइए मैं चेक कर पा रहा हूँ आपका दो आइटम ऑलरेडी कार्ट पे है मतलब दो फोन्स वो दो फोन्स पहले आपके कार्ट से हटाइए सर ओके जो ऑनर 8C और वो डिलीट और रेडमी 7 का ठीक है वो हट गया जी डिलीट कर दिया आपने जी अभी प्रोसीड टू बाय कीजिए ये लैपटॉप ट्रबल शूटिंग सर्विसेज में ना हाँ जी जी बिल्कुल ओनली लैपटॉप ट्रबल शूटिंग सर्विस से आप प्रोसीड टू बाय कीजिए क्लिक किया एक्चुअली क्या है वो ऐड टू कार्ट के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर प्रोसेस टू बाय आ रहा है मुझे हाँ नहीं आ रहा है वो अच्छा टू कार्ड आप एक काम कीजिए पूरा कार्ड को डिलीट कीजिए हाँ जी हाँ प्रोसेस टू बाय कीजिए प्रोसेस टू बाय कर लिए जी अभी क्या आ रहा है यूज दिस एड्रेस का एक ऑप्शन आ रहा होगा
हाँ जी, सर्विस एड्रेस का ऑप्शन आ रहा जी, आप एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। यूज दिस एड्रेस, ठीक है। अभी क्या आ रहा है? चूज अ प्रेफर्ड टाइम स्लॉट फॉर द सर्विस जी, टाइम और डेट चूज कर लीजिए। 3rd अगस्त मुझे लेटेस्ट शो कर रहा है, सबसे नजदीक में। हाँ, वो वाला अरेंज कर लीजिए। ठीक है, और टाइम, टाइम स्लॉट अपने अनुसार से बात करने का सर। ठीक है जी, सही समय है आपसे बात करने का। हाँ हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपके रजिस्टर्ड नाम, ईमेल आईडी और कंप्लीट बिलिंग एड्रेस जान सकता हूँ सर? क्योंकि ये आउटबाउंड कॉल है सर, आपका डिटेल्स नहीं रहता है हमारे पास। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा सर। उस कॉल को जो है ट्रेनिंग और क्वालिटी फैसले रिकॉर्ड की जा सकती है सर। ठीक है जी जी, तो आप अरेंज करनी है सर 3rd अगस्त के लिए? क्या क्या अरेंज करनी है? आपको जो टेक्नीशियन विजिट अरेंज कर रहे थे सर, क्या वो अरेंज हो गया? ऑर्डर मैं प्लेस किया था, प्लेस योर ऑर्डर, मैंने फिर से कर दूं क्या वो? नहीं, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैं चेक कर लेता हूँ, अभी तक तो कोई मेल आया नहीं है सर। 2 मिनट, हेलो, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ जी, चेक कर लीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए सर। हाँ जी जी, बिल्कुल 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 हो गया। मुझे सिर्फ आपका टाइमिंग बता दीजिए, कौन सा टाइम में आपने किया? 12 से 2 था। ठीक है, ठीक है सर। तो आपका यहाँ से सर टेक्नीशियन विजिट अरेंज हो गया है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैसे ही टेक्नीशियन विजिट होता है एक बार सिर्फ हमें कॉल कर लीजिएगा, हम चेक करके जो भी बेस्ट होगा हमारे। टेक्नीशियन विजिट उस टाइम पे आ जाएगा ना? 3 तारीख को 12 से। हाँ जी, टाइम पे आ जाएगा सर, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। 3 से 2 बजे के अंदर जैसे टेक्नीशियन विजिट होता है एक बार आप कॉल कर लीजिएगा तो हम आगे चल के हेल्प कर देंगे। ठीक है सर, किस पे कॉल करना है मुझे? सर आप जिस नंबर पे कॉल करता है, हमारा जो नंबर है आप नोट कर लीजिए, 1800। वेट फॉर मिनट प्लीज जी। 1900 1818 सर, 1800 1800 3000 3000 9009 1800 3000 9009। ठीक है जी, बिल्कुल कॉल कीजिएगा, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है आपका कॉल हमारे पास ट्रांसफर कर देंगे। सेम ऑर्डर आईडी पे सर, आप ऑर्डर आईडी अगर मेंशन नहीं भी करेंगे, आप अगर बताएंगे एसएस का लैपटॉप था उसके रिगार्डिंग कॉल किया तो वो ट्रांसफर कर देंगे सर। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा और किसी प्रकार सर की सहायता करते हो? नहीं नहीं सर, आप बस टेक्नीशियन जल्दी से भेज दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर, ठीक है सर। ओके जी, अमेज़न से संपर्क करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिन शुभ हो सर। धन्यवाद सर। और फिर इस स्क्रीन को देखिए जहाँ पे रिफंड कंफर्मेशन का मेल आया था, चूँकि और ये चूँकि मैंने ये लैपटॉप लिया था ईएमआई पे, तो इसके बाद मेरे पेमेंट रिफंड के लिए भी एक मेल आया है जहाँ पे पेमेंट कंफर्मेशन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, यूनिक कोड दिया जाएगा, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। मैंने ये बजाज फाइनेंस से खरीदा था ये लैपटॉप ईएमआई पे, तो उसके बाद इन एट लास्ट मेरे पास ये मेल आया था जहाँ पे आपको आप जब वो आज जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, मतलब आपके यहाँ से अमेजन वापस ले लेगी, उसके बाद आपको ये मेल आएगा जहाँ पे आपको पेमेंट का रिफंड का पूरा डिटेल्स रहेगा। आपको ये नंबर, इन केस आपका पेमेंट नहीं आता है तो जो आपका ट्रांजैक्शन नंबर है, रिफंड रेफरेंस नंबर, ये आपको अपने बैंक में जाकर बताना होगा, उसके बाद आपका पेमेंट रिफंड आ जाएगा। अब बीच के सारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मैं, जैसा कि आपने सुना होगा, वो सुनने के बाद पहले तो कोई भी इंसान इतना, कोई भी यार मिडिल क्लास लोग अगर इतना बजट लगा रहे हैं तो सोचना तो बनता है अमेज़न को भी और लोगों को भी कि आखिर उनके साथ ऐसा फ्रॉड होगा तो वो क्या करेंगे।
मैं यहाँ पे थोड़ा लकी रहा जहाँ पे मेरे साथ ये सब कुछ सही हुआ। और इसके बाद मैंने जो दूसरा लैपटॉप खरीदा वो है FX505DT, जैसा कि आप मैंने शुरू में बताया था। और इसके बाद मैं उस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग का वीडियो और रिव्यू मैं किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट से, शेयर से ही तो भाई मुझे एनर्जी मिलती है। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमित वीलॉग।